has sponsored all outfits to Miss Soumya Thakur for the upcoming Miss Wheelchair pageant in Mexico in the month of October 2022. We are grateful to NIIFT in helping us understand the technicalities such as adaptive patterns, fasteners, fabrics and stitch detailings used in constructing the garments for people with special needs. खुशी का दिन है कि भी हमने मिस सौम्या ठाकुर जो मिस व्हीलचेयर वर्ल्ड को सेलेक्ट किया हुआ है इंडिया से, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए जो कॉस्ट्यूम है वो डिज़ाइन निफ्ट मोहाली की तरफ से किया है और इन एसोसिएशन में आरजू जो है हमारी एलुमनी है. कितनी डिफिकल्टीज आपको आ रही हैं रिप्रेजेंट करने में? बहुत डिफिकल्टीज आ रही है एक्चुअली. इस चीज़ के लिए कोई ऐसी एसोसिएशन है नहीं एंड फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से भी इतना सपोर्ट नहीं है. तो आई एम डूइंग इट माय ओन थोड़ा बहुत और विद द हेल्प ऑफ माय मदर की जो विल पावर है और जो भी है मैं यहाँ तक पहुँची हूँ. और जैसे अरजोई ब्रांड है उन्होंने मुझे आउटफिट के लिए स्पॉन्सर किया है. तो एक दो और लोग हैं जैसे अनुपम खेर अकेडमी एक्टर्स प्रिपेयर है, उन्होंने मुझे ग्रूमिंग सेशन दिया है. एंड बट इसके लिए अभी गवर्नमेंट इतना अवेयर नहीं है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं शायद वहाँ से जीत के आऊँ. आप सबको सपोर्ट करें और मीडिया की तरफ से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ये बात आप गवर्नमेंट तक भी पहुँचाए कि इस तरीके से पैरालंपिक्स में हेल्प की जाती है उसमें इस चीज़ में भी हेल्प होनी चाहिए. फैशन एंड क्लाइमेट फील्ड एज वेल. और ये यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है. अपने इंडिया को किसी भी चीज़ में रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है आई थिंक. तो अगर हमें सपोर्ट मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है. पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट आज तक. आई थिंक मैं यहाँ पर पहुँची हूँ तो उन्हीं के कारण पहुँची हूँ. मेरी मदर ने चाहे स्टार्टिंग की चाहे यहाँ पे मैं पहले से ही नीचर पे हूँ. मैं 2 साल पहले मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था तो मैं 2 साल तक बेड पे ही थी रिकवर करने में. बट मेरी मदर ने मुझे काफ़ी हिम्मत दी और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ और जल्द ही इंडिया को रिप्रेजेंट करने. किस तरह की आउटफिट तैयार की गई है? और वहाँ पे अराउंड 25+ कंट्रीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिप्रेजेंट करेंगे. जीत जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा?